मिला तो रोजा, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो रोजा रख लिया। और ये मैं वैसे ही यानी काफिया नहीं मिला रहा, हदीस में भी आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों से पूछते कुछ है खाने को, कहते जी है, फरमाते खिला दो तो आप खा लेते। और फिर कभी पूछते खाने को कुछ है तो कहते जी कुछ नहीं तो आप फरमाते फइन्नी सॉइमुन, फिर आज मेरा रोजा है। तो उनके यहाँ मईशत का मसला ही कोई नहीं था, उनको उनको जो मसला था वो आखरत का था। जन्नत की बशारतें लेकर भी आखरत से वो लर्जां थे, तरसां थे, दोजख के तस्करों से कांप जाते थे, लरस जाते थे, थर्रा जाते थे। हमारे ऊपर न जन्नत का असर है न दोजख का असर है। जन्नत को सुन के बशाशत नहीं, दोजख को सुन के कोई गम की परछाई नहीं। हमें दुनिया ही की खुशियों से चेहरे बदलते हैं, दुनिया के गम से चेहरे उतरते हैं। हमारी खुशी और गम का मेयार जन्नत और दोजख नहीं, हमारी खुशी और गम का मेयार हमारी अपनी जाती जरूरतें और तकाजे हैं। मेरे भाइयों, मैं और एक जानवर आज एक ही तर्ज पर जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि हम अल्लाह को सामने रख कर न चल रहे हों, आखिरत हमारे सामने न हो, हम हलाक हैं, बर्बाद हैं। ये कोई मसाइल नहीं, जो मसाइल अच्छा हल भी हो गए, फर्ज करो सारे ही हल हो गए, मौत का मसला कैसे हल करें? ये मसला कैसे हल हो कि मौत से भाग नहीं सकते? अइनल मफर, भागो, अइनल मफर। अल्लाह ताला तो ऐलान कर रहा है भागो, क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहेगा भागो, कहाँ भागोगे? अब दुनिया के रास्ते बंद हैं। हमारा मसला ये है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए और हमें उस मुसीबत से बचा ले जिसको अल्लाह ने, जिससे अल्लाह के फरिश्ते रोते हैं, जिससे नबी रोते हैं, जिनको जन्नत की बशारतें मिल चुकी, उनका हाल ये था। आपने कुरान की आयत पढ़ी, वकूदुहा अन्नास वल हिजारा, वो दोजख जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। एक सहाबी बैठे थे हबशी काले, उनकी चीख निकली और गिर गए। आप करीब गए तो उनका सांस उखड़ चुका था। आपने फरमाया कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, जान निकल गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए, या रसूल अल्लाह ये कौन है? आपने फरमाया मेरा सहाबी है, बड़ा नेक है, दोजख के खौफ से जान निकल गई। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो दुनिया में डरेगा आखरत में उसे हंसाऊंगा, और जो दुनिया में बेखौफ होगा आखरत में उसे खौफ की गारों में धकेल दूंगा। ये जन्नती लोग हैं, दोजख सुन के मर रहे, आयत सुनी और फड़क गए, और ऐसा रोना रो रहे हैं कि फरिश्ते भी रो रहे हैं। एक सहाबी घर में नमाज पढ़ रहे, तहज्जुद की, कुरान की आयत पढ़ रहे, दोजख का तज़किरा उसमें चल रहा है, तो पढ़ते पढ़ते चीख निकली, वा गौसाहु मिनन नार, ए अल्लाह तेरे सामने फरियाद करता हूँ, जहन्नम से तू ही बचा। और रोए चीख निकली। जब वो फजर की नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ लाए तो आपने इरशाद फरमाया, लकद अबकैत अय्युन मलाइम मिनल मलाइकति कसीर, अरे अल्लाह के बंदे, आज तेरे रोने पर आसमान के फरिश्ते भी रो रहे थे। हालांकि वो जन्नती लोग हैं, उन्हें जन्नत की बशारतें हैं। एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शदीद गर्मी में कमीज उतार दी और रेत पे लेट गए, सख्त तपती रेत पर, और अपनी करवटें बदली, कभी ऐसे कभी ऐसे। फिर कहेंगे ज़ूक़ी या नफ्स, नार जहन्नम अशद हर्रा, जीफतुम बिल्लैल बत्तालतुम बिन्नहार, ए नफ्स, ये दुनिया की रेत की हरारत को चख, दोजख की आग तो इससे भी ज्यादा है, तेरा क्या बनेगा? सारी रात तू मुर्दार बन के सोता है, सारा दिन बेकार तू फिरता है, तेरा क्या बनेगा? आपने फरमाया से बुला के लाओ। जब उसे लाए तो आपने इरशाद फरमाया, लकद फुतिहत लका अबवाबुस समा, तेरे लिए सातों आसमान के दरवाजे खुल चुके हैं, वलकद बाहल्लाहु बिकल मलाइका, और अल्लाह इस वक्त तेरे ऊपर खुश होकर फरिश्तों के सामने फखर फरमा रहे हैं। फिर आपने अपने सहाबा से फरमाया, इससे दुआ करवा लो, इससे दुआ करवा लो। हमारा ये मसला नहीं है, ये हमारे मसाइल हैं, कोई शक नहीं इसमें, ये हमारे मसाइल हैं। लेकिन मेरे भाइयों, इनकी हैसियत आखरत के मसले के मुकाबले में बहुत थोड़ी है। हमें बड़े मसले को अहमियत देनी है, छोटे मसले को छोटा रखना है। हमने तो उलट कर दिया, आखरत का पत्ता ही कटा हुआ है और दुनिया के छोटे छोटे मसाइल के पीछे सर फट रहे हैं।
और दिमाग चल रहे हैं, जिंदगियों से खेला जा रहा है। ये जिंदगी अल्लाह के यहाँ इंतहाई नापसंदीदा है। और छोड़ें, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी महबूब हस्ती और अपनी उम्मत पर शफीक मेहरबान, वो भी नाराज हो रहे हैं। ताय अब्दुद्दीनार व अब्दुद्दिरहम व अब्दुल्कसीफा, हलाक हो जाए सोने का चाहने वाला, चांदी का चाहने वाला, जेबो जीनत हुस्न जमाल का चाहने वाला, हलाक व बर्बाद हो जाए। हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह हलाक हो जाए सोने का गुलाम, चांदी का गुलाम, रुपये का गुलाम, पैसे का गुलाम, कपड़े का गुलाम हलाक हो जाए, जिसके लिए हुजूर फरमाए हलाक हो जाए। अब उसे कौन सा मालो दौलत नजात नसीब फरमाएगा? तो मेरे भाई और दोस्तों, नबी पाक को भी गुस्सा आ रहा है इस बात पर कि मेरी उम्मत दुनिया का गुलाम न बने। हमारा मसला ये है कि मौत के वक्त हमारे पास जन्नत के फरिश्ते आए, दोजख के फरिश्ते न आए, कि दो हालतों में से एक हाल आने वाला है। या तो ऐसे फरिश्ते आ रहे होंगे जो यूं कह रहे होंगे, अय्या तो हन नफ्सुल खबीसा कानत फिल जसदुल खबीस, ऐ बदकार रूह जो बदकार जिस्म में थी, ऐ खबीस रूह जो खबीस जिस्म में थी, निकलो उखरुजी बाहर आओ। वो कहेगा मुझे बाहर न ले जाओ। वो कह रहे हैं बाहर आओ। वो कहेगा कहाँ ले जा रहे हो? वो कहेंगे अबशरी अबशरी बेहमीम व गस्ताक व आखर मिन शक्लिही अज़वाज, तैयार हो जा, तेरे लिए जबरदस्त दोजख का अजाब है, गरम खौलते पानी है, कांटेदार खाना तेरे लिए तैयार है, और तू उसके लिए निकल। वो कहेगा मुझे मोहलत दो। रब्बिरजिउन लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअथून। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर, मैंने तुम्हें इतनी जिंदगी दे दी थी जिसमें तुम नसीहत पकड़ना चाहते तो हासिल कर सकते थे, तुमने गफलत में जिंदगी गुजार दी। अब जब मौत ने हलक दबाया और मौत ने सांस उखाड़ा और मौत ने जिस्म को लरगाया और आकर उसको झटका दिया, अब तुम कहते हो मोहलत दो। कल्ला कल्ला, मोहलत खत्म हो गई, अब तो आगे चलना पड़ेगा। या तो ये होने वाला है, और मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, या इसका अलग होने वाला है, इसका दूसरा निजाम चलने वाला है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم। अल्लाह ताला ईमान अमल वाला और अल्लाह का नेक महबूब मुकद्दस बंदा, जब उसकी मौत का वक्त आएगा तो जन्नत के फरिश्ते आ रहे हैं और कह रहे हैं अय्या तो हन नफ्सुल हमीदा, ऐ नेक रूह कानत फिल जसदिल हमीद जो नेक जिस्म में थी, ऐ काबिले तारीफ रूह जो काबिले तारीफ जिस्म में थी, उखरुजी आइए बाहर आ जाइए, वाबशरी और आपको खुशखबरी हो, बिरौहिन व रैहान जन्नत की खुशबू की और जन्नत के बागात की, व रब्बिन रादिन अनके गैर गब्बान और आपको खुशखबरी हो कि आपका रब आप पे राजी हो चुका है। ये खुशखबरी सुनकर वो कहेगा मुझे ले चलो ले चलो अल्लाह की तरफ ले चलो। उसकी सबसे बड़ी उस वक्त खुशी ये होगी कि मेरी जिंदगी का तार टूट जाए।